सामने से। कोई गीत भी गा रहे? आधुरा गीत वैसे। सामने से सब बज गप्पी जाएंगे। चंद्र रामचंद्र मैं हूँ रोड ऑफ द किंग राजेश दीवाना बस। केहू का बाबू जी के घर से आता है हम अपना पीछे हैं। सामने कोई पानी का तो होता पानी। अरे भैया मैं कितना मुश्किल से अपनी माँ का बटुआ से पैसा चुरा के लाया, जगा के सारा नशा उतार दिया। चल पैसा के दाम ला, पावा के दाम ला। एक मिनट रुको भाई, भाई 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 रुको रुको पावा। हाँ मैं पैसा लाता हूँ, एक मिनट में जरा ढीला होके आता हूँ। अरे देख मुझे चूतिया मत बनाना, मुझे पौवा के दाम चाहिए तो चाहिए। मैं ढीला होके आता हूँ जरा। चल जा बेटा, जल्दी आ। अच्छा बेटा किधर गया रे, किधर गया? अरे तू नहीं जानता, तू भाग गया रे। तू नहीं जानता मैं अगले जमाने में कुत्ता था, कुत्ता। मैं सुन के पता लगा लूंगा तू किधर सुसु कर रहा है। अरे यार पता नहीं लगता कैसे कैसे लोग हैं, हम में बोलते हैं निकल जाते हैं। ये कहीं हमें गाली तो नहीं दे रहे? लग तो ऐसे ही रहा है, एक पता तो चले हमले का मतलब क्या है, कौन सी गाली है, कौन सा बवाल है। यार लग तो ऐसे ही रहा है, या तो हमारी बात ना समझते हैं या फिर उन लोगों को कोई दिक्कत हो। वो तो चुप कर यार, हम कोई विदेशी थोड़ी ना जो हमारी बात ना समझेंगे। और रही दिक्कत काहे की, सबको एक ही दिक्कत है क्या? वो सब पागल है और हम बेवकूफ जो यहाँ खड़े। मैडम जी, मैं यस बोलिए। मैडम डेरा का रास्ता यही जाता है क्या जहाँ पे हम खड़े हैं? यस ऑफ कोर्स, जाइए। मैडम जी बोलिए, अब क्या हुआ? मैडम मैं कई लोगों से पूछा तो हम भी करके चले जाते हैं। ये कहीं मुझे गाली वाली तो नहीं दे रहे ना, क्या बवाल है? गाली वाली की कोई बात नहीं है, अब गांव के लोग हैं, अनपढ़ शनपढ़ से लोग हैं, बोल देते हैं। यहाँ हाजी को हम भी बोलते हैं, गाली वाली की कोई बात नहीं। ओ।
मैडम आप तो फिर बहुत पढ़ी लिखी होंगी। हम्बे नहीं है इधर, रास्ता छोड़ दो, इधर से मुड़ जाओ, इधर है रास्ता, हमें इधर जाना है। अरे नाश्ता नहीं है, इधर से मुड़ जाओ भाई, हमें इधर जाना है। तो भाई साहब भाई नाश्ता नहीं है, इधर से मुड़ जाओ भाई, हमें इधर जाना है भाई, रास्ता छोड़ के सो जाओ इधर। इधर नाश्ता नहीं है, इधर से मुड़ जाओ भाई, इधर नहीं जाना है, हमें इधर जाना है भाई। बोला ना नाश्ता नहीं है, इधर से मुड़ जाओ भाई, हमें इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। पत्ता भाई रे, अरे भाई बोलता हां, भाई बोल। जब तू अपनी बहू लेके आया तो मेरे लिए भी ले आता बेटा। अरे वो कोई बाजार में थोड़ी बिकती। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, बाप बेटे का किसने बांटा, एक से ही काम चला लेंगे। अरे अरे पिताजी, ये मेरी बहू है, आपकी बहू कैसे हो सकती है? अरे बेटा, मेरे मरने के बाद हर चीज तेरी हो जाएगी, और मेरे जीते जी तेरी एक चीज भी मेरी नहीं हो सकती। पिताजी ये चीज नहीं है, बहू है बहू, ये मेरी है, मेरी ही रहेगी। हाँ बेटा, जमाना बदल गया है, एक जमाना था जब मैंने अपनी बहू तेरी माँ बना दी, वो भी तो सिर्फ मेरी थी, और तू अपनी बहू को मेरी बहू नहीं बना सकता। अच्छा पिताजी, मैं बाजार जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। हाँ बेटा जा, ध्यान रखूंगा बेटा। सर हाँ देख बहू, मेरे से क्या शर्माना, मेरे से शर्माने की जरूरत नहीं, मेरे बेटे की बहू तो मेरी बहू, और देख रामू जैसे जूते भी हैं मेरे पे, रामू जैसे कपड़े भी हैं, हैंडसम हूँ, कोई कमी है मुझे? अच्छा बाबू, मुझे पता था कि आप यही करने वाले हैं, हम सब छुप के देख रहे हैं, तुम इधर आओ, हम इनको तो हम बताएंगे। इधर रहो जाओ फटाफट, दो चार आदमी जाओ ना। अरे जा सो, अरे क्या हो गया, क्या हो गया पिताजी? आप हमें अकेला छोड़कर यूं नहीं जा सकते पिताजी, उठिए। कम्बज मेरा बाप मेरी बहू पे डोरा डाल रहा था, अच्छा हुआ जो मर गया। भूत 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 नहीं, बुरा हुआ। बोल डालो अपना। पिताजी तो मर गए, अब उनके कपड़े रख के क्या फायदा है, मैं तो फेंक के आती हूँ। ना बहू ना, मेरा कोई सामान मत फेंक। भागो गैरी भागो, रुक रुक। अरे रुक, अरे बहू रुक, मेरा कोई सामान मत फेंकना, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अरे रुक। सामने है कालिया को हाजिर किया जाए।
करेंगे इतना बारूद ना गोली, मुंह और पीछे दोनों से बोलेगा। रो कालिया। का मालिक? रो कालिया। ये मालिक कतना आदमी रमन सर है? मालिक से तेरा दो ही आदमी था। दो आदमी सुअर के बच्चा, वो दो और तुम तीन। लेकिन हम सबक फिर भी वापस आ गए। मालिक हम फिर ये पसंदी कर नहीं लेके आ जा रहे। मालिक पसंदी थोड़ा मोटी है, वो तीन को बारिश पड़ गए थे। काका हम पसंदी के बिना नहीं रहूंगा, हमको पसंदी चाहिए किसी भी कीमत। हमको क्या पता, कालिया से पूछो, कालिया जानता है उसके बारे में। कहां मर गया ससुरा कालिया? 50 कोस में लोग हमको क्या कहते, हमारे ऊपर कितना इनाम है? 50 लाख। जब 50 किलोमीटर दूर में बच्चे रोते हैं तो माँ कहती है बच्चे सो जाओ, गब्बर सिंह आ जाएगा। लेकिन मालिक यहाँ काम खराब हो गया है। क्या हो गया? आपका माल पर कालिया हाथ डाल दिया है। कालिया को हाजिर किया जाए। कालिया पोखरे पर खड़ा है। चलो कालिया के पास, पोखरे के ऊपर चलो, पोखरे के पास, और कालिया को पकड़ के लाए। चलो।